सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बीवी बनने से पहले बॉयफ्रेंड ने लिया अपनी गर्लफ्रेंड का ऐसा टेस्ट था कि हो गए उसकी किस्मत का कचरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर तो यही लगता है कि दुनिया में लड़कियों के बारे में पारंपरिक सोच अभी भी पीछे नहीं छूटी है। इस शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड का ही टेस्ट ले लिया और वो भी यह जानने के लिए कि वह मैरिज मटेरियल है या नहीं। वह यह जानना चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड शादी के रिश्ते के लिए अभी फिट है कि नहीं, जिससे कि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। उसने उसकी गर्लफ्रेंड का टेस्ट लेने के लिए जो तरीका अपनाया वो काफी अजीब था। सबसे पहले उसने उसको एक ऐसे अस्त व्यस्त घर में बुलाया जहाँ हर सामान बिखरा पड़ा हुआ था और उसने सोचा कि घर में घुसते ही लड़की सफाई शुरू कर देगी तो वह उसकी बीवी बनने लायक है। लेकिन बदकिस्मती से इस लड़की ने घर की सफाई करने की कोशिश नहीं की। वह उसके घर आई, खाना खाया और अगले दिन घर को उसी हाल में छोड़कर चली गई। लेकिन अभी भी इस आदमी की बेवकूफी बाकी थी। उसने अपना यह अनुभव ट्विटर पर भी शेयर कर दिया और लिखा कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर पर बुलाया और मैं उसकी हरकतों से बहुत निराश हुआ। वह सुबह आई थी और बिना बर्तन साफ किए चली गई। मुझे लगा था कि वह मैरिज मटेरियल है और मेरे इस गर्लफ्रेंड टेस्ट में वह पूरी तरह से फेल हो गई। किसी की भी पुरुषवादी सोच और रूढ़िवादी होना अलग बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर खुलेआम इस तरह जाहिर कर देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको बता दें कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया और ट्विटर पर लोगों ने इस शख्स की सोच का खूब मजाक भी उड़ाया। वहीं कुछ लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।